भारत में धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और एक बार फिर लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में कोरोना से बचाव और नए वेरिएंट को आने से रोकने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन से खास बातचीत की है। इस दौरान डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। न्यूज इंडिया की टीम के खास एक्टिव शो में कोविड को लेकर हमारे एक मशहूर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन। जैसे कोविड की बात आपको सब पता है, भारत में कोविड की सभी पर मार पड़ी है। सभी डॉक्टर, सबके निजी अस्पताल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब हॉस्पिटल में रहे थे बंद। तब एटा के भगवान रूप में जाने गए थे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन जी, 24 आवर्स उन्होंने सर्विस दी। मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा और सबसे न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि कोविड के लक्षण लगातार भारत पर ट्रेंड में आ रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी इसमें? नया कोविड का स्ट्रेन आया हुआ है, म्यूटेशन के बाद क्रिएट हो जाते हैं वायरल स्ट्रेन में, तो सेम जानकारी है, सेम ट्रीटमेंट से उसके। सर, वैक्सीनेशन, इतनी वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अभी भारत से मुक्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? वैक्सीन एक खास स्ट्रेन के लिए बनी थी, अब चूंकि इसके म्यूटेशन के बाद नए नए वेरियंट्स आते जा रहे हैं, तो हालांकि वैक्सीन फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है, इसके लिए भी हमें नई स्ट्रेन के लिए नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी। क्या कोविड के लक्षण कुछ बदलाव आया है इस बार? कोई बदलाव नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोविड से लगातार भारत में जो आउट ऑफ कंट्री से आ रहे होंगे वो कोरोना है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री कह रहे हैं कोविड मुक्त हो चुका है, फिर भारत से कोविड मुक्त हुआ या नहीं हुआ अभी? अभी तो नहीं। तो क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या स्वास्थ्य का क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर कि हमको कैसे बचाव करना है? अभी तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जहाँ तक उसके बचाव करना चाहिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया टीम आपसे जानना चाहती है, कोविड के समय सारे हॉस्पिटल बंद थे, तब आप भगवान के रूप में जाने गए थे, आपने 24 आवर्स सर्विस दी थी, तो क्या रिजल्ट रहा था आपके यहाँ कोविड के पेशेंट आए थे? अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट 100% रिजल्ट, अगर आप फर्स्ट 3 डेज में डायग्नोज कर लेते तो 100% रिजल्ट होम आइसोलेशन में ही दे देते। अच्छा, लोगों का कहना ये था कि डेंगू से मौत हो रही है, ये डेंगू नहीं है, ये कोविड की तीसरी लहर है, क्या कुछ जानकारी? ना, डेंगू इज डेंगू, कोविड इज कोविड, दोनों बीमारियां अलग अलग है, हालांकि ये वायरल बीमारी है लेकिन इनका बिल्कुल ट्रीटमेंट अलग अलग है। जैसे कि अभी न्यूज़ ने देखी शैलेंद्र कुमार जैन से बात की थी, उन्होंने बताया कोविड की तीसरी लहर है, जो डेंगू के ऊपर लोगों की राय थी कि डेंगू नहीं और तीसरी लहर से बच्चों की मौत, डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये सब अफवाह है और कोई भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी, राजनीतिक दल से कोई इसका कमी कैमरा मैन राजेश साहब।